आज हमने शनवारी दुम्बा कढ़ाई तैयार की है, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। और असली टेस्ट और लुक के लिए जो है ना, आपने वीडियो को फॉलो करना है एंड तक, लाइक कमेंट शेयर करना है, और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दुम्बा कढ़ाई शनवारी जो है वो तैयार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ऑल फॉर यू कुकिंग एंड व्लॉग के किचन में खुश आमदीद। आज छुट्टी है, आज फ्राइडे है, तो आज बनेगा गोश्त घर में। तो दुम्बा बना रही हूँ मैं शनवारी, बहुत ही आसान तरीके से बना रही हूँ। तो ये दुम्बे का आधा किलो से ज़्यादा गोश्त है, और बीच में इसकी जो चक्की की चर्बी होती है वो भी है काफ़ी मिकदार में। ठीक है, ये देखें, ये देखें, तो ये चक्की की चर्बी है इसमें और गोश्त है इसका। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपने पूरा वीडियो को वॉच करना है, एंड तक देखना है, लाइक कमेंट शेयर लाजमी करना है, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। मेरी हौसला अफजाई होती है, मुझे अच्छा लगता है। और इसके अलावा जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें। अच्छा, ये चर्बी जो है ना, ये शनवारी जब आप बना रहे हैं कढ़ाई, तो इसमें ये डालना बहुत ज़रूरी है, और इसमें घी नहीं डलेगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इसकी स्मेल पसंद नहीं होती, तो इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए लहसुन और अदरक को पहले से पानी में बॉईल करना होता है। बिल्कुल छोटी सी मैंने एक प्याज ली है, दो अदद मैंने टमाटर लिए हैं, उनको मैंने पानी में डाल के चढ़ा दिया है। डेढ़ गिलास पानी है इसमें, मैं ये गोश्त डाल रही हूँ जिसको मैंने पहले से धो लिया था, पानी निचोड़ लिया था। और अभी सिर्फ मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, इसमें ना बहुत ज़्यादा मसाले जाएँगे और ना ही कोई ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स हैं इसके। तो एक चाय का चम्मच के करीब जो है फ़िलहाल मैं इसमें नमक डाल दिया मैंने, और कुकर को मैं बंद कर देती हूँ। वैसे तो ये लोहे की कढ़ाई में बेहतरीन पकता है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई जब गोश्त के साथ टच होती है और वो चम्मच चलता है उसमें, तो अपना ही एक टेस्ट निकलता है, जो कि हमें जो घर में जो है वो इसलिए नहीं आता, क्योंकि हमारे पास वो बर्तन, वो कढ़ाइयाँ नहीं होती हैं। तो मेरे पास भी लोहे की कढ़ाई नहीं है, मैं कुकर में बना रही हूँ उसको। आप अगर लोहे की कढ़ाई है तो सोने पर सुहागा है, आप इसको लोहे की कढ़ाई में बनाएं तो फिर आप इसका टेस्ट देखें। तो मैंने अब इसको मैं बंद करने लगी हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी, यहाँ पर जो है हमने एक चाय का चम्मच दड़ा मिर्च और एक चाय का चम्मच जो है वो काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। वीडियो जो है वो मैं किसी वजह से नहीं बना सकी, स्किप हो गई मुझसे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ दड़ा मिर्च और काली मिर्च एक एक चम्मच डाला है चाय का, और हम इसको घी के बगैर ही फ्राई करेंगे, ताकि इसमें जो इसकी अपनी चर्बी थी उसी के घी में ये पकेगा, और इसी का घी जब छूट जाएगा तो हम इसकी भुनाई को रोक देंगे, लेकिन इसी से हम भुनाई करेंगे अभी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, भूनने के बाद ये देखें इसका घी जो है वो अलग हो गया है, और अब यहाँ पर हम इस तरह लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। 4 से 5 अदद लंबाई में हरी मिर्चें हमने काट ली हैं, और बड़ी अच्छी लगती हैं ये। और बस अब हमारी कढ़ाई जो है वो तैयार है शनवारी, तो हम इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने प्लेट में निकाल ली है, शनवारी हमारी तैयार है। थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया छिड़क देते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक है, बहुत ज़बरदस्त शनवारी जो है हमारी तैयार है। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और साथ में ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिले। और इसके अलावा जो नए हैं प्लीज़ वो भी वीडियो को एंड तक देखा करें, और बहुत ही ज़बरदस्त लुक है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी आपने बताना है, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। मेरा वॉच टाइम पूरा करने के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।